हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय माथुर क्लासेस। पिछले वीडियो में अपन ने सिंक्रोनस गति के बारे में पढ़ा था। सिंक्रोनस गति क्या होती है? तो सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला क्या होता है? एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। ये क्या होती है? सिंक्रोनस गति होती है या सिंक्रोनस स्पीड होती है। एन एस क्या होता है? स्टेटर की सिंक्रोनस गति किस में होती है? आरपीएम में। और एफ क्या होता है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। किस में होती है? हर्ज में। और पी क्या होता है? स्टेटर पोल्स की संख्या। तो अब अपन इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन होते हैं वो अपन करते हैं कि भाई सिंक्रोनस स्पीड याद करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में आता है तो अपन बताते हैं एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया पी पोल्स की संख्या 8 है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है, तो सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क है यानी कि ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। एन एस अपन को निकालना है। 120 इंटू एफ कितना दे दिया है? 50। बट्टा पी कितना दे दिया है? 8 पोल। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपन सॉल्व करेंगे तो एन एस कितना आएगा? 120 को 50 से गुणा करो और 8 से मल्टीप्लाई करो तो 750 आरपीएम। आरपीएम क्यों आया? क्योंकि जो सिंक्रोनस स्पीड है, स्पीड हमेशा अपन किस में निकालते हैं? आरपीएम में। तो एन एस कितना आ गया? 750 आरपीएम। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, जिसमें आपको दे दिया एन एस तो दे दिया 750 आरपीएम दे दिया और पी निकालना है। और क्या है? पी निकालना है और फ्रीक्वेंसी अपन के पास कितनी होती है? 50 हर्ज होती है। तो अपन को पी निकालना। अब पी कैसे निकालेंगे भाई? अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। अब एन एस तो अपन को दे दिया 750 बराबर 120 इंटू एफ कितना है? 50 अपॉन पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन करते हैं। तो क्या होता है? 750 इंटू पी बराबर 120 इंटू 50। तो P बराबर कितना होगा? 120 इंटू 50 बट्टा 750। अब 120 इंटू 50 को अपन गुणा करते हैं तो कितना आता है? 120 इंटू 50 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेटर आपके एग्जाम में सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, साइंटिफिक वाला कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिंपल सा कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो अपन उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसे 120 इंटू 50 को गुणा करेंगे तो आएगा 6000 बट्टा 750। इसको भाग देंगे 6000 में 750 का तो आएगा 8। तो P इजिकल टू कितना हो गया? 8। तो पोल्स की संख्या कितनी हो गई? 8। क्वेश्चन क्या था? एन एस दिया हुआ था 750 आरपीएम, पी निकालना है, एफ दिया हुआ था 50 हर्ट्ज। तो एन एस बराबर 120 अपॉन पी। तो एन एस का मान रख दिया 750, 120 इंटू एफ का मान 50 और पी निकालना है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो पी का वैल्यू कितनी आती है? 8। अब आपके क्वेश्चन में आजकल एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये तो पूरा सॉल्व करने का आएगा नहीं। क्वेश्चन में ये आएगा कि एन एस बराबर 750 आरपीएम में पी निकालना है, एफ 50 हर्ज है, तो आप पी निकालिए। अब उसमें ऑप्शन में दे देगा कि पी पोल्स की संख्या 8, 4, कहीं 2 दे देगा, कहीं 1 दे देगा। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो पी बराबर 8 आया। तो अपन उसके ऑप्शन में जाके पी बराबर 8 जो पोल्स की संख्या जहां 8 लिखी होती है उसको अपन ओके करते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। अब क्वेश्चन में आपको दे दिया कि पोल्स की संख्या 2 दे दी। क्या दे दी है? पोल्स की संख्या कितनी दे दी है? 2। एफ दे दिया है 50 हर्ट्ज और
एन एस निकालो, तो आप निकाल सकते हो। तो क्या हो गया, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। तो 120 इंटू एफ कितना कर दिया, 50 हर्ट्ज, अपॉन पी कितना दे दिया था, 2। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 3000। किस में आएगा, आर पी एम में। किस में आएगा, आर पी एम में क्या आएगा, एन एस बराबर। तो आपके ऑप्शन में आ जा, जहाँ 3000 आर पी एम आता है वहाँ पे आपको ओके करना है। अब आती है रोटर स्लिप। रोटर स्लिप का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। रोटर स्लिप, रोटर स्लिप का क्या फॉर्मूला होता है, रोटर स्लिप का फॉर्मूला हमेशा होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। पहले अपन देख लेते हैं रोटर स्लिप किसे कहते हैं। क्या है, सिंक्रोनस गति तथा रोटर की गति में जो अंतर होता है उसको स्लिप कहते हैं। कि स्लिप किसे कहते हैं, कि सिंक्रोनस गति और रोटर की गति दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको अपन स्लिप कहते हैं। अब स्लिप भी दो प्रकार की होती है, स्लिप भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहले अपन लिख लेते हैं सिंक्रोनस गति तथा रोटर गति में अंतर स्लिप कहलाता है। ठीक है, इन दोनों में जो अंतर होएगा वो क्या होएगा, स्लिप होएगा। अब स्लिप में भी क्या दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अंशीय स्लिप। कौन सी होती है, अंशीय स्लिप, और दूसरी कौन सी होती है, प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप, अब जो प्रतिशत स्लिप होती है मतलब किसी की भी परसेंटेज निकालनी है तो अपन को प्रतिशत स्लिप निकालनी है। मतलब कि अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है तो उसको अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज आ जाती है। तो अब ये देखते हैं पहले अंशीय स्लिप, क्या कौन से देखते हैं, अंशीय स्लिप। अंशीय स्लिप, अंशीय स्लिप क्या होती है, कि सिंक्रोनस गति के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है वह अंशीय स्लिप कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है, स्लिप को अपन एस से डिनोट करते हैं। स्लिप को किससे डिनोट करते हैं, एस से। इसका फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अंशीय स्लिप या स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। अब अपन देखते हैं कि एस क्या है, एन एस क्या है, एन आर क्या है। एस क्या है, एस क्या है, अंशीय स्लिप। अंशीय स्लिप किस में होती है, आर पी एम में। किस में होती है, आर पी एम में। ठीक है, फिर आती है आपके एन एस। एन एस बराबर किस में आएगी, सिंक्रोनस गति। एन एस क्या होती है, सिंक्रोनस गति, हमेशा गति आर पी एम में आती है। ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। फिर आती है एन आर, आर का मतलब रोटर, तो रोटर गति, ये भी किस में आएगी, आर पी एम। तो क्या हो गया कि स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि एन स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है,
तो अब उनको कंफ्यूज करने के लिए कई कई बार क्या करता है कि एन एस माइनस एन आर अपॉन एन आर कर देता है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि पहला एन एस ही देखता है, उसको टिक कर देता है, तो वो गलत है। अपन को ध्यान रखना है कि एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है, उसी को टिक करता है। एन एस क्या होता है, सिंक्रोनस गति, एन आर क्या होता है, रोटर गति, और एस सिर्फ होती है स्लीप। ये सभी जन क्या होती है, आरपीएम में होती है। अब अपन देखते हैं प्रतिशत स्लीप कौन सी है, प्रतिशत स्लीप दूसरी कौन सी है, प्रतिशत स्लीप, प्रतिशत स्लिप, प्रतिशत स्लिप। प्रतिशत स्लिप में क्या होता है कि अपन परसेंटेज का कर देते हैं, परसेंटेज का सिंबल कर देते हैं। जैसे ये परसेंटेज का स्लिप कर दिया, एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100। अब प्रतिशत निकालना है तो अपन क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये परसेंटेज आ रहा है। क्या प्रतिशत में निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकालने की स्लिप आ जाती है। और अगर अपन से सिर्फ स्लिप का फॉर्मूला पूछता है तो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है। फिर इसके आधार पर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो अपन करते हैं। फिर आता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी की भी, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रोटर अब आती है रोटर फ्रीक्वेंसी, कि भाई रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी अपन को पता ही है कि आवृत्ति होती है, भारतवर्ष में फ्रीक्वेंसी हमेशा कितनी होती है, 50 हर्ज होती है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपन देख लेते हैं कौन सा है, एफ आर बराबर, फॉर्मूला देख लेते हैं, एफ आर बराबर एस इंटू एफ। ये फॉर्मूले अपन को याद रखने पड़ेंगे, इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें एस क्या है, एस क्या है, अंशीय स्लीप, एस क्या है, अंशीय स्लिप किस में होगी, आर पी एम में। फिर एफ होती है स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, एस क्या है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हो, एक ही बात है, इसकी यूनिट क्या होती है, किस में होती है, हर्ट्ज में होती है। तो ये एफ आर क्या हो गई, रोटर फ्रीक्वेंसी, एफ आर क्या हो गई, रोटर फ्रीक्वेंसी। ये भी किस में होती है, हर्ट्ज में होती है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि अंश स्लिप दी हुई है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करो, तो अपन को फॉर्मूला है एफ आर बराबर एस इंटू एफ, ये हो गई रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब अपन स्लिप और रोटर फ्रीक्वेंसी के आधार पर अपन जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन करते हैं। हाँ, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें स्लिप भी ज्ञात करना है, एन एस भी ज्ञात करना है और रोटर फ्रीक्वेंसी भी ज्ञात करनी है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें अपन को दे दिया पी बराबर 8 पोल्स है, ए बराबर 50 हर्ट्ज है, एन एस अपन को निकालना है और एन आर दे दिया 720 आर पी एम। अब ये अपन को क्वेश्चन में दे दिया है, अब वो कह रहा है कि आपको एक तो रोटर स्टेटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ए स्पीड निकालनी है, रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है और ये स्लिप निकालनी है। तीन क्वेश्चन उसने पूछ लिए, तो सबसे पहले तो अपन निकालते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला तो 120 एफ अपॉन पी, 120 इंटू एफ कितना दे दिया 50 हर्ट्ज, अपॉन पी कितना दे दिया 8। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 750 आर पी
एम आता है। तो पहली बात तो अपन को यहाँ पे सॉल्व हो गई कि एन एस कितना आ गया 750 आर पी एम आ गया। अब अपने को पास एन आर इसने दे दिया है 720 आर पी एम दे दिया है। अपन स्लिप निकाल लेते हैं। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। स्लिप निकाल लेते हैं तो एन एस अपन को कितना दे दिया 750 माइनस 720 अपॉन 750, ये फॉर्मूला दे दिया। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर में अपने पास सिंपल सा है, 750 माइनस 720 इजिकल टू कितना होता है 30। तो अपन यहाँ कर देते हैं 30 बट्टा 750। अब 30 के अपॉन 750 कर देते हैं, 750 इजिकल टू कितना आता है 0.04। तो ये कितना आ गया 0.04। ये क्या आया है, एस आया। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, क्या करनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज स्लिप बराबर 0.04 इंटू क्या करते हैं 100 से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब अपने पास 0.04 आया है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आता है 4। दिख रहा है आपको 4, हाँ। तो अपन कितना स्लिप कितनी हो गई, स्लिप कितनी परसेंटेज वाली हो गई 4%। कितनी हो गई 4%, क्या हो गई स्लिप हो गई। अब अपना फॉर्मूला होता है रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो रोटर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी अपन निकालते हैं एफ आर बराबर, रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है एफ, ये दूसरा था, दूसरा क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। अब ये तीसरा अपन से पूछ रहा है रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एस इंटू एफ, एस इंटू एफ। एस अपने पास कितना है 4, परसेंटेज है तो अपन क्या करते हैं इसको भाग दे देते हैं, ठीक है, इंटू 50 50 हर्ट्ज। तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपन सॉल्व करते हैं 4 तो अपने पास यही है 4 इंटू 50 इजिकल टू कितना आ गया 200। यह अपन कर देते हैं 200 बट्टा 100 कट गया 0 0, तो कितना आ गया 2। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2 हर्ट्ज। क्या कितनी हो गई, एफ आर बराबर 2 हर्ट्ज। तो ये अपने पास सेकंड का भी उत्तर आ गया, थर्ड का भी उत्तर आ गया, सेकंड का भी उत्तर आ गया था और फर्स्ट का भी उत्तर आ गया था। तो क्वेश्चन क्या था अपने पास में, क्वेश्चन क्या था कि P बराबर 8 पोल है, F फ्रीक्वेंसी दी हुई है, NS निकालना है, NR अपने को 720 RPM दिया हुआ है। एक बार ढंग से समझ लेना क्योंकि एग्जाम में अपन को ये सॉल्व सारा करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन में पूछता है तो ऑप्शन में आपको पूछेगा। तो अपन पहले NS निकालना है, सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं 120 F अपॉन P से। तो 120 इंटू F 50 दिया बट्टा P 8 दिया हुआ, इसको सॉल्व करते हैं तो 750 RPM आता है। RPM में ही करेंगे क्योंकि स्पीड है। फिर NS अपने पास 750 RPM है, NR क्वेश्चन में दिया हुआ है 720 RPM। तो स्लिप निकाल लेते हैं। स्लिप का फॉर्मूला अपन अभी पढ़ा था, NS माइनस NR बट्टा एन एस। तो 750 माइनस 720 बट्टा 750, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 0.04 आता है। क्या आता है, एस आता है। अब अपन को परसेंटेज निकालनी है, स्लिप की परसेंटेज में निकालनी है तो अपन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में आ जाती है। अब अपन को क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दे देता है कि रोटर फ्रिक्वेंसी भी निकालो। तो रोटर फ्रिक्वेंसी क्या फॉर्मूला होता है, एस इंटू एफ। एस होता है अंश स्लिप, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एफ अपन को 50 हर्ट्ज है, एस 4 आ गया परसेंटेज में, परसेंटेज अपन हटाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
इसको अपन सॉल्व करते हैं तो 2 हट जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अपन ने क्या आज क्या पढ़ा है, सिंक्रोनस गति के क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसके बाद में अपन ने रोटर स्लिप पढ़ी है। रोटर स्लिप भी 2 प्रकार की होती है, अंश स्लिप और प्रतिशत स्लिप, और तीसरी अपन ने बात पढ़ी थी रोटर फ्रिक्वेंसी। इन तीनों फॉर्मूले के आधार पर अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।